हेलो एवरीवन, सो आज का वीडियो होगा, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड लिफ्ट हैवियर वेट्स। तो आज का टॉपिक इसके ऊपर बात करेंगे हम। तो सभी को आजकल सभी को हैवी लिफ्ट करना है और स्ट्रॉन्ग होना है, स्ट्रेंथ सभी को चाहिए। तो कुछ यहाँ पर टिप्स है या कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने की हैं, जो आपको नहीं करनी है, जिससे आप भी स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे और ज़्यादा लिफ्ट कर पाएंगे, जिस तरह मैं लिफ्ट कर पा रहा हूँ अभी। तो मैंने जब फिटनेस इंडस्ट्री अपना फिटनेस स्टार्ट किया था जर्नी, तो मैं भी लिफ्ट नहीं कर पा था ज़्यादा, तो अभी मैं लिफ्ट कर पा रहा हूँ। तो कुछ गलतियाँ मैंने की थी, जिस गलतियों को मैंने सुधारा। तो फर्स्ट तो समय देर ना करते हुए मैं आपको पहला टिप देना चाहता हूँ, और जो मैंने गलती की है वो ये है कि आपको कंपाउंड मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप सभी को पता होगा कि कंपाउंड मूवमेंट पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, जब हमें स्ट्रेंथ ग्रो करना है और हमें लिफ्ट ज़्यादा करना होगा तो हमें कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। कंपाउंड मूवमेंट आपका जैसे हो गया बारबेल चेस्ट में बारबेल प्रेस, डेडलिफ्ट्स हो गया, आपका स्क्वाट्स हो गया, तो इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये कंपाउंड मूवमेंट में आपको वन से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आपको ओवरऑल बॉडी को डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं। तो कंपाउंड मूवमेंट आप जितना कर पाएँ, जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जैसे चेस्ट आपने एक्सरसाइज किया, तो चेस्ट स्टार्ट में तो पहला आपका जो सेट होगा वो होगा बारबेल प्रेस होगा, उसके बाद इंक्लाइन बारबेल प्रेस होगा। तो ये कंपाउंड मूवमेंट है, और हमेशा आप वेट को प्रोग्रेसिवली आपको इंक्रीज़ करना है। अगर आपने आज मारा है 60 kg, तो नेक्स्ट वीक आपका वो 65 किलो होना पड़ेगा वेट, अगर आपसे जा रहा है तो। अगर ना जा रहा है तो 60 kg फिर से मारिए, और आपका जो वन रेप मैक्स है उसका 40% या 50% से आपको स्टार्ट करना है पहला सेट, और आपको 100 तक नहीं जाना है, आपको मैक्स 80 तक जाना है। और आपको आपका रेप रेंज इसमें होना चाहिए 10 से 6 के बीच में रहना चाहिए फॉर स्ट्रेंथ बिल्डिंग, तो उससे आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आपको ये हर मतलब जिस दिन आप चेस्ट लगाएंगे तो आपका बारबेल पुल होना पड़ेगा पहला एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो मैं पहले आपको बोल दिया कि आपको कंपाउंड मूवमेंट में फोकस करना है। तो बहुत लोग आइसोलेशन ज़्यादा लगाते हैं, मशीन ज़्यादा करते हैं, तो मशीन कीजिए आप, मशीन आइसोलेशन एक्सरसाइज भी लगाइए, पर कंपाउंड में ज़्यादा फोकस आपका कंपाउंड मूवमेंट में एक्सरसाइज में होना चाहिए आपका, तो वो आपको हेल्प करेगा आपका स्ट्रेंथ ग्रो करने में। तो सेकेंड अगर मैं बोलूँ, तो आपको लिफ्ट फास्ट लिफ्ट करना पड़ेगा। तो बहुत लोग बहुत प्रोग्राम फॉलो करते हैं, सिंगल मसल वंस अ डे, डबल मसल वंस अ डे, तो कोई पुश पुल, बहुत सारे एक्सरसाइजेज है। तो आपको फास्ट लिफ्ट करना है, मतलब हर एक्सरसाइज में आपको रेस्ट कम लेना है, मिनिमम रेस्ट लेना है, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है आपको, इससे 2 मिनट 3 मिनट ऐसा रेस्ट नहीं लेना है। जितना फास्ट लिफ्ट कीजिएगा, जितना कम रेस्ट दीजिएगा, आपका मसल फाइबर उतना एक्टिव रहेगा और उतना ग्रो करेगा, आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है। और आपको सुपर सेट, ड्रॉप सेट्स, ऐसे एक्सरसाइज इंक्लूड करने हैं, क्योंकि आप अगर हमेशा एक ही स्प्लीट फॉलो कर रहे हैं, एक ही एक्सरसाइज अगर आप हमेशा से फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी जो है वो अडोप्ट कर लेता है उसको, तो उस एडोप्शन को उसको शॉक देना है हमें, बीच बीच में शॉक देना है। तो आप 3 मंथ्स एक फॉलो कीजिए, एक स्प्लीट फॉलो कीजिए एक्सरसाइज का, फिर 3 मंथ्स अलग स्प्लीट फॉलो कीजिए, तो एवरी 3 मंथ्स में आपको एक्सरसाइज का स्प्लीट चेंज करना है, जिससे आपका बॉडी जो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स वो जब एक्सरसाइज को अडोप्ट कर लेगा, उसके बाद उसको एक शॉक की ज़रूरत होती है, तो उस शॉक से वो और ग्रो होता है। अगर एक ही एक्सरसाइज हमेशा करते रहेंगे तो एक समय में जाकर ग्रोथ आपका रुक जाता है। तो इसीलिए आपको अब तो लिफ्ट फास्ट लिफ्ट करना है, जो आपका सुपर सेट एंड ड्रॉप सेट्स, और आपको स्प्लीट आपका चेंज करना है। तो ये हो गया आपका सेकेंड। और थर्ड अगर मैं बोलूँ, तो आपको हैवी वेट लगाना है। हैवी वेट मतलब आपको ज़्यादा हैवी नहीं जाना है। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100 किलो 150 किलो इतना मारिए, आपका जितना एबिलिटी है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपको वन रेप मैक्स है, उससे 60 किलो से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आपको लिफ्ट ज़्यादा करना है, ऐसा ना हो कि आप मार सकते हैं 80 किलो, पर आप स्टार्ट कर रहे हैं 20 से 30 से, ऐसा आप लास्ट सेट हो रहा है आपका, फर्स्ट स्टार्ट कीजिए आप 30-40 से, पर लास्ट जितना आपका वन रेप मैक्स होगा आपको उतना तक पहुँचना है। आपको लिफ्ट हैवी लिफ्ट करना है, जितना हैवी लिफ्ट कीजिएगा उतना आपका स्ट्रेंथ बिल्ड होगा, आपका मसल साइज आएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि आपको फेलियर तक नहीं जाना है। फेलियर तक जा सकते हैं, पर आपका पोजीशन और पोस्चर जो है हमेशा मेंटेन रहना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने पहला सेट ज़्यादा वेट ले लिया है, मतलब पहला सेट में आपको अगर सपोर्टर की ज़रूरत पड़ रही है, आप अंत तक नहीं जा पा रहे हैं, तो वो आपका गलत है। अगर लास्ट सेट में आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लास्ट सेट में सपोर्ट ले सकते हैं अपने सपोर्टर से, और
ची ट्रैप लगा सकते हैं, पर अगर फर्स्ट सेट में अगर आप ची ट्रैप लगा रहे हैं तो वो गलत है। आपको ची ट्रैप नहीं करना है फर्स्ट सेट में ही। फर्स्ट और सेकेंड सेट आपको परफेक्टली मारना है, पोजिशन सही होना पड़ेगा, आपका पोस्चर सही होना पड़ेगा, एंगल सही होना पड़ेगा, और आपको एकदम टेक्निक एकदम सही टेक्निक में मारना पड़ेगा, तभी उस मसल को जाके हिट करेगा वो एक्सरसाइज। वरना वो आप उस मसल में जितना भी एक्सरसाइज जितना भी आप मेहनत कर ले पर उस मसल को हिट नहीं कर पाएगा अगर टेक्निक और फॉर्म अगर गलत हो। तो ये हो गया आपका फोर्थ। और आपको मैं एक और बात बता दूँ, जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग में बहुत हेल्प किया, मुझे हेल्प किया, और मैंने उसको बहुत इग्नोर किया एक समय तक, वो है लेग्स डे। तो बहुत लोग सोचते हैं कि लेग्स नहीं मारूंगा और फिर अपर बॉडी डेवलप कर लूंगा, लेग्स ऐसे ही रह जाएगा। तो मैंने बहुत इग्नोर किया लेग्स को एक समय तक, मैंने भी इग्नोर किया, पर आज मैं कुछ सालों से मैंने दो साल से लेग्स पे बहुत काम किया है और लेग्स डेवलप हुआ है मेरा। मेरा भी लेग्स एक समय में छोटा हो गया था और मुझे तब एहसास हुआ कि लेग्स नहीं मारने की वजह से मेरा अपर बॉडी बड़ा हो गया पर लेग्स मेरा छोटा हो गया, वो मेरा डिसएडवांटेज हो गया। पर आपको ऐसा नहीं करना है, लेग्स आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। लेग्स एक ऐसा मसल है, आप अगर लेग्स को बेहतर तरीके से करेंगे तो आपका ओवरऑल बॉडी का शेप जो है, ओवरऑल बॉडी में डेवलपमेंट आएगी आपकी लेग्स करने से। लेग्स को आपको जिस तरह से आप बाइसेप्स मारते हैं, बाइसेप्स को जिस तरह से क्रश करते हैं 100% देते हैं, उसी तरह आपको लेग्स में भी देना है 100%। और इस तरह से एक्सरसाइज करना है कि आप लेग्स करने के बाद अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, आपका वो पेन हो रहा है वो सोने से, उसका मतलब आपने लेग्स अच्छा से किया है। अगर आप लेग्स करने के बाद भी अगर आप चल पा रहे हैं अच्छा से, तो आपने लेग्स ठीक से नहीं की है लेग एक्सरसाइज। तो आपको लेग एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, लेग्स आपको रेगुलर बेसिस पर करना है एवरी वीक। और इसलिए एक बात और मैं बता दूँ कि आपको आप कितनी भी एक्सरसाइज क्यों ना कर लें, कितनी भी क्या कुछ आप मील ना ले लें, कितने प्रोटीन शेक्स ना खा लें, कितने भी प्री वर्कआउट्स ना ले लें, पर इसमें एक और रोल फॉलो करता है, प्ले करता है इसमें आपका रिकवरी। तो रिकवरी आपका ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिकवरी। तो आपकी रिकवरी बहुत ज़रूरी है। एक मसल आपको एक्सरसाइज करने के बाद आपको मिनिमम 48 आवर्स की रिकवरी चाहिए, आपको उस मसल को फिर से आप ट्रेन कर पाएंगे उतनी रिकवरी होनी चाहिए आपकी बॉडी में। अगर आप रिकवर नहीं हो पा रहे हैं और अगर रात को आप अच्छी स्लीप नहीं दे पा रहे तो मिनिमम आपको 7 आवर्स का स्लीप देना पड़ेगा आपको बॉडी को, ताकि वो मसल टिश्यू जो ब्रेक डाउन हो वो रिकवर हो पाए ठीक से। तो मिनिमम आपको 7 आवर का रिकवरी देना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आपको रिकवर करना है, बॉडी को आपको रिकवरी का टाइम देना पड़ेगा। अगर आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, रात को आपको काम रहता है, तो आप टाइम निकालिए। अगर आप रिकवरी नहीं दे पा रहे तो आपको उसमें इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप रेस्ट दे पा रहे हैं, रिकवर कर पा रहे हैं, तभी आप उसकी इंटेंसिटी से आप हैवी लिफ्ट कर पाएंगे, और आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, रेस्ट नहीं दे पा रहे, तो आपको कोई लिफ्ट नहीं करनी चाहिए, इतनी हैवी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। और आपको एक चीज़ बता दूँ जो मैंने फील की है अपने इतने 5 साल के अपने करियर में, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मील टाइम पे लेना एक और डिसएडवांटेज है। मील टाइम पे ना लेना एक और डिसएडवांटेज है जिससे हमारी स्ट्रेंथ लो हो जाती है। अगर आप सोच लीजिए ब्रेकफास्ट आप ले रहे हैं 12 बजे और आप अगर अपने मिड डे मील ले रहे हैं 3 बजे, तो इससे क्या होगा कि आपको जो 6-6 से 5 मील जो आपको होल डे में लेना है, तो उसमें से आपको 1 या 2 मील आपका स्किप हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप एक तो मील ज़्यादा नहीं ले रहे, कैलोरी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, और इससे आप यूज भी नहीं कर पाएंगे, और आपका माइंड भी अच्छे से एक्टिव नहीं होगा, माइंड भी वर्क नहीं कर पाएगा अगर खाना ज़्यादा अगर आप मील टाइम पे नहीं लेंगे। अगर आप ज़्यादा टाइम का गैप दे रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटे के बाद खा रहे हैं, तो वो आपको आपके स्ट्रेंथ में आपको वो कम करेगा, आपके स्ट्रेंथ को कम करेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइंड सेटअप, आपका माइंड सेटअप एकदम बढ़िया होना पड़ेगा जिम जाने से पहले। आपको ये सोच के जाना पड़ेगा कि आज मेरा ये एक्सरसाइज है और आज मुझे अच्छे से एक्सरसाइज करना है। अगर आपने माइंड बना लिया कि आप घर से निकलते हैं, आपने अगर बोला कि आज मुझे एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा या लिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, आज मन अच्छा नहीं लग रहा है मेरा, वो हुआ, आपके जिम के बाहर जो भी आपके अलग दुनिया है वो दुनिया को भूलिए। जिम में घुसने के बाद आपको एक ही चीज़ में आपको फोकस करना है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, अच्छे से करना है, और मुझे अपना 100% देना है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। आपका माइंड जो है ना वो तभी साथ देगा जब आप बॉडी से पुश करेंगे। अगर विदाउट पुशिंग अगर आप बोलेंगे तो आपका माइंड भी साथ नहीं देगा। इसीलिए माइंड आपको इतना स्टेबल रहना पड़ेगा कि आपका माइंड और बॉडी दोनों एक नोट में होना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाके आप वो अचीव कर पाएंगे और वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। बॉडी और माइंड कनेक्शन, मसल और माइंड कनेक्शन जो बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। तो मसल एंड माइंड कनेक्शन हमेशा रहना पड़ेगा। तो यही कुछ चीज़ थे, इनको आप अप्लाई कीजिए। और जो ये मैंने गलतियाँ की थी तो मैंने आपको बोला, और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आप कीजिए। और 3 मंथ्स 2 मंथ्स ऐसे करते जाइए, लिफ्ट ज़्यादा लिफ्ट कीजिए, अच्छे से खाइए, रेस्ट दीजिए,
अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे टेक्निक में कीजिए, तो आपको वो हेल्प करेगा। और हमेशा प्रोग्रेसिवली अपने वेट को बढ़ाइए, जो आप लिफ्ट कर रहे हो उसको बढ़ाइए। एवरी वीक आप 5 kg, 7 kg ऐसे बढ़ाइए, अगर ज़्यादा मत बढ़ाइए, 5 kg, 6 kg ऐसे बढ़ाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो एक्सरसाइज जो मैंने फैट लॉस का सीरीज शुरू किया था, मैंने आपको डाइट दिया था, और उसकी एक्सरसाइजेज आपकी मंडे से आएंगी। मंडे से आप एक्सरसाइज देख पाएंगे कि मैं क्या एक्सरसाइज करता हूँ फैट लॉस के लिए। अभी तो मंडे से मैं अपलोड करूँगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।